नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष्यम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेथड में। फ्रेंड्स, जीडी की प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे ये कह रहा है, एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलो वाली चाय तथा 65 रुपए प्रति किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलो के भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो। यार देखो, हम इस सवाल को देख के ही समझ गए थे कि इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से लगा सकते हैं। तुम्हें कैसे समझना, जब दो फ्रेश चीजें दी गई हो, दो बिल्कुल फ्रेश चीजें दी गई हो और तीसरी चीज उन दोनों को मिला के बनी हो, तो ऐसे में हम क्या लगा सकते हैं मेरे भाई, एलिगेशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन एलिगेशन की कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो भी चीज रखी गई हो वो एक स्टेज की रखी गई हो। एक स्टेज मतलब अगर सब रुपए हैं तो सब रुपए हो, अगर सब क्रय मूल्य हो तो सब क्रय मूल्य हो, सब विक्रय मूल्य हो तो सब विक्रय मूल्य हो। ठीक है, अब देखो हम इसको लगाते हैं, हमारा आंसर बन जाएगा। एक 60 रुपए प्रति किलो ही चाहे यानी ये लागत मूल्य है, एक 65 रुपए प्रति किलो है यानी ये भी लागत मूल्य है, को किस मिश्रण को किस भाव में बेचे। तो मेरे भाव किस भाव में बेच रहा है, 68 रुपए 20 पैसे में जब बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। यानी ये तो मेरे भाई लागत मूल्य है, लेकिन ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। तो हम ऐसे लागत मूल्य निकाल लेंगे, 10% का लाभ मतलब 10 की चीज कितने बिकी, 11 पे बिकी, 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 68.20 दी हुई है। हमको ये देख के समझ में आ गया कि ये कट जाएगा पूरी तरह से, ये पूरी तरह से 11 से कटेगा। कैसे, 6 2 8 8 8 0 11 से कट रहा है ना, काटो 11 6 66 दो बचा 11 2 22 तो कितना आ गया, 6.2 आ गया। अगर 1 = 6.2 है मेरे भाई तो 10 = कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक का दाम है 60 रुपए प्रति किलो, एक का दाम है 65 रुपए प्रति किलो, मिला के जो मिश्रण तैयार हुआ वो हुआ 62 में, तो क्रॉस में माइनस कर दो, बड़े में छोटा घटाओगे तो 3 आएगा, 62 में 60 घटाओगे तो 2 आएगा, तो आंसर क्या रहेगा, 3:2 के अनुपात में मिलाई जाए। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई समस्या? देखो फिर समझो क्या कह रहा है कि एक 60 रुपए प्रति किलो वाली थी, एक 65 रुपए प्रति किलो वाली थी, दोनों को उठा के हमने एक बोरे में भर दिया। जब वो भरा तो मिश्रण जो हम जब बेचेंगे 68 रुपए 20 पैसे में तो हमको 10% का लाभ होगा। तो ये पूछा क्या है, कितनी ये ली जाए और कितनी ये ली जाए, ठीक, किस किस अनुपात में ली जाए। तो हमने देखा एलिगेशन लगा सकते हैं, 60 लिखा 65 लिखा, लेकिन ये लिखी थी हमारी एसपी का वैल्यू, तो हमने सीपी निकाल ली तो कितना आ गया, 62 आ गया, हमने 62 लिख लिया यहां पे, ठीक। इसमें इसको घटाया 3 आ गया, इसमें इसमें इसको घटाया तो 2 आ गया। हमारी चाय किस अनुपात में मिलाई जाए, 3:2 के अनुपात में मिलाई जाए। बात समझ में आ गई, आगे चलो। कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, उसी दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में, मान लो कोई ऐसे जा रहा, तुम भी ऐसे जा रहे हो, जाके बेटा एक भाड़ से लड़ जाओ तो तुमको कम चोट लगेगी और सामने वाले को भी कम चोट लगेगी, लेकिन तुम ऐसे जा रहे हो कोई सामने चला रहा दौड़ दौड़ते मारो भटाक करके तुम मुंह पुड़ा लोगे तुरंत ही, ठीक है। यानी हाँ, कहने का मतलब यह है कि जब इस डायरेक्शन में कोई चीजें लड़ती हैं विपरीत दिशा में ऐसे खटाक करके तो बहुत नुकसान होता है, बड़ाम करके फूट जाए, लेकिन अगर कभी कोई पीछे से ठोकर मारता है तो उतनी चोट नहीं लगती है। बात समझ में आ गई, चलो। और तुमको बात पता है क्यों नहीं लगती, तो प्रैक्टिस सेशन में तो तुमको पता है। चलो देखो, अब देखो जब ट्रेनें ऐसे जा रही हैं, ठीक, तो आगे जो ट्रेन जा रही है वो जा रही होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पीछे से जो ट्रेन जा रही है वो जा रही होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा से, क्योंकि मेरे भाई पार करना है ना, तो पार तो तभी होगी, पीछे वाली तेज होगी, तो इसकी जो लंबाई है वो 75 मीटर है, इसकी जो लंबाई है वो 125 मीटर है, क्लियर है ना। तो अब देखो लंबाइयां तो हर केस में जुड़ती हैं, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 125 75 कितना हो गया, 200 मीटर हो गई, ठीक। चाल क्या होगी, तो चाल घटेगी 36 में 18 क्या, तो कितना बचा, 18 kmph बचा। समय निकालना है, बहुत आराम से निकाल देंगे, इसको निकाल दो, यहीं पे लिख दे, चल डायरेक्ट लिख देते, चलो यहां लिख देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला यही होता है। चाल हमारी कितनी निकली, तो
कहोगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा निकली, 36 में 18 घटाया तो कितनी बची, 18 बची, 18 km/h किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है, 200 मीटर है। यहाँ समय निकालना, ये मीटर में है, ये सेकंड में आराम से निकल जाएगी, पहले इसको चेंज कर लो। तो इसको हम 5/18 से कर दे, चेंज कर दे। तुमको हमने बताया था कि जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर, जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर। क्लियर, 18 से 18 कट गया, ये कट गया इससे कितने बार, 40 बार में। तो टी बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 40 सेकेंड आ गया। आंसर कितना आ गया, 40 सेकेंड आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? हमने तुमको देखो फिर से समझो, कह रहा है जब विपरीत दिशा में आएंगी, ठीक है, विपरीत दिशा में तो चाली क्या होती है, जुड़ जाती है, क्योंकि कोई सामने टक्कर मारे तो कहो मुंह फोड़ा लो, ठीक, लेकिन कोई पीछे से मारे एक ही दिशा में तो चाली मेरे भाई क्या होती है, कट जाती है। बात समझ में आ गई। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लिया, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक दर से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य 9,000 रुपए का अंतर है, मूल राशि ज्ञात कीजिए। चलो इसको सॉल्व करो। देखो, अच्छा देखो, अगर हम तुमसे एक बात कहें कि 12% के हिसाब से 2 साल के सीआई और एसआई का जो अंतर बनेगा, सीआई और एसआई का, वो 1.44 बनेगा, तो क्या तुम इस बात से सहमत हो, तुम कहोगे हाँ सहमत है, लेकिन समझ में नहीं आया कुछ भी, आएगा नहीं क्योंकि तुमने शुरुआत से पढ़ा नहीं, इससे पहले एक वीडियो है लेकिन वो देखने का समय नहीं है, तो अभी समझ लो क्या होता है मेरे भाई। देखो, दोनों साल का बराबर होता है ना एसआई, तो 12 और 12 मिल जाएगा, लेकिन जो सीआई होती है वो मेरे भाई बराबर नहीं होती है, 12 + 12 + 12 × 12/100 इतनी मिलेगी, सही है। जब अंतर निकालोगे तो इतना तो आपस में कट ही जाएगा, तो इतना ही तो बचेगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 2 अंक दशमलव, तो 1.44 आ जाएगी। बस समझ में आ गई, ऐसे हम निकालते हैं कि 2 साल का अंतर कैसे आएगा, 1.44 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी 1.44 की वैल्यू मेरे भाई कितनी दे रखी है, 9,000 रुपए दे रखी है, और तुमको कितने की कहा है, मूल राशि ज्ञात कीजिए। मूल राशि का 100 का मान ज्ञात करना है। तो देखो, इसका कैलकुलेशन तुमको देखने में भले बहुत भारी लग रहा हो, लेकिन भारी नहीं है। देखो कैसे स्मार्टली करेंगे, पॉइंट डाउन, 2 जीरो बढ़ाओ, ठीक, एक तरीका तो ये है। अब देखो, ये संख्या तुमको समझ में आ रही कि ये 4 से कट जाएगी पूरी तरह से, ये 4 से कट जाएगी। देखो, 100 कटेगा 25 बार में 4 से, और 44 कटेगा 11 बार में, तो 25 और 11 कितना होता है, 36 होता है, तो ये 36 बार में कट गई 4 से, ये काट दो 25 बार में कट जाएगी, ये फिर 4 से कट रही है, 4 × 9 = 36, ये फिर 25 बार में कट रहा है, 9 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहां 1000, ठीक, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो तुम कहोगे 625 और कितने जीरो, 1, 2, 3 जीरो और आ जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है, दिक्कत कहां आई, कोई दिक्कत नहीं, हमने आराम से इजी वे में कैलकुलेट कर दिया पूरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई नहीं। आगे आओ, आगे क्या कह रहा है, यदि किसी बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह कह लो या मेरे भाई वक्र पृष्ठ कह लो, एक ही बात होता है, वक्र सतह कह लो या वक्र पृष्ठ कह लो, एक ही बात होता है, क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमको हम वक्र सतह का मतलब समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वो सिलेंडर रखा है जो तुम्हारे घर में है, गैस में लगा हुआ है, ठीक, गैस वाला इंडियन का सिलेंडर, उज्ज्वला योजना वाला, ठीक, इसके ऊपर कपड़ा जब उड़ाने को कहेंगे तो तुम ऐसे कपड़ा लेकर के ऐसे डाल दोगे इसके ऊपर, बस इतना ही तो करोगे, इतना ही करोगे ना, बस इसी को वक्र सतह कहते हैं, यही वक्र पृष्ठ है, यानी जिसको हम ऊपर से टच कर सके, ऐसे बस ऐसे हाथ फिराते हुए चले आए, वो हमारा क्या हो जाएगा, वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो देखो, अब देखो क्या क्या कवर है, एक तो ये ऊपर वाला गोला पूरा कवर है, ये देखो पूरा गोला इसे कवर है, इस गोले के बीच में कपड़ा डल गया है वो अकेला चीज, लेकिन कवर क्या है, ये खाली ऊपर का गोला कवर, तो ऊपर वाला वृत्त होता है, वृत्त की परिधि कवर है, तो परिधि होती है 2πr, और ये क्या कवर है, बेलन की ऊंचाई कवर है, तो क्या होता है h, तो यही बन गया हमारा फॉर्मूला, 2πrh होता है वक्र सतह का क्षेत्रफल बेलन के, खत्म काम।
इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 616 दे रखी है। ठीक, आ गया हो तो पाई का मान हमको पता है 22/7 होता है, हम रख लेंगे। तो 2 पाई, आर तो निकालना ही है, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है, चलो हो गया बराबर में 616, 7 × 14। ठीक, घबराना नहीं, आराम से करना, बहुत पेशेंसली सवाल हो जाएगा। देखो 2 × 2 = 4, 4 और 22 × 4 = 88। ठीक, तो ये कितना हो गया 88, आर बराबर 616। 8 में क्या गुणा कर दे कि इकाई में 7 बन जाए, तो 8 × 2 = 16 होता है, इतना छोटा तो नहीं आएगा मेरे भाई कि 7 दो ही बार में निपट जाएगा। ठीक, तो हमें पता है 7 × 8 = 56 में भी 6 बनता है, तो काट के देख लो, ये 7 बार में पूरा कट रहा है, तो त्रिज्या की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। बात खत्म, समझ में आ गई ना? चलो, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई समस्या? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम तुमको एक चीज बता दें, दो तीन चीजें तुम देख लेना। एक तुम बेलन देख लेना, शंकु देख लेना। ठीक, बेलन जिससे लड़कियां रोटी बेलती हैं, शंकु मेंढक कोन मार हाथ पे किचिर पिचिर किया करती हैं। अब खाली एसएससी जीटी पेपर देने जा रही हैं, ये सब बनेंगी फौजी। देखो तुमको पता है सरकार को लड़कियों को इसलिए अलाउ कर दिया सरकार ने, क्योंकि लड़कियों को फौज में रखने का बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। वो दो चार को तो शराब शराब के मार देंगी, ऐसे पकड़ ली, ऐसे दबा ली, दो चार टपाड़ के कहेंगे बाल लोचे भी सरापेंगी, तुम मर जाओ, तुम्हारे कीड़ा पड़े, तुम्हारे ये होए, तुम्हारे वो होए, शराब शराब के मार देंगी। ठीक, ऐसे ऐसे हाँ चलाएंगे, मार मार उड़ा धर देंगी, ऐसे सटासट हाँ चलेंगे उनके, कहो थपड़ जाना शुरू कर दे तो हमारे जगह आ गए, तो हमारे चट का दांत काट ले, नाखून न चोट ले, दुनिया कहानी कर डाले उसके साथ। चले चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत हो गई बातचीत, अब थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार 23 लाख जूते बेचकर 7 लाख जूते की बिक्री कीमत के बराबर लाभ प्राप्त करता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इस सवाल को तुम समझो ना कि जब सामान 23 रुपए में बेचा गया, जब सामान 23 रुपए में बेचा गया तो 7 रुपए के बराबर लाभ हुआ, तो सामान आया कितने का था, तो सामान आया कितने का था, तुम कहोगे 16 का आया था। भाई सरल सी गाड़ी देगा कि जब सामान 5 रुपए का बेचा गया तो 1 रुपए के बराबर लाभ हुआ, तो सामान कितने का आया था, मतलब 4 का आया था। वैसे जब सामान 23 रुपए का बेचा गया तो 7 रुपए के बराबर लाभ हुआ, समझो ना, तो उसके पास से कितने गए, तो 16 ही तो गए, क्लियर है, तो सीपी हो गई 16। आप लाभ का परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, 7 का लाभ हुआ किस पर से, 16 से, इनटू 100 सॉल्व करो, 4 से काटो, ये 4 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, 25 × 7 = 175 होता है, कितना होता है 175, 175/4। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत हो समझाओ तो बताओ, इतने कहीं कोई कष्ट हो तो बताओ, काटो बेटो काटे लामे काटते। देखो 4 × 4 = 16, 1 बचा 5 = 12, 3 बचा 0.5 लगाया तो 7 × 5 = 5, तो कितना आया 43.75, क्लियर हो गया, इतने परसेंट का मेरे भाई क्या हो गया, लाभ हो गया, समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखो, राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की जो कि उसकी यात्रा का 2/5 भाग है, उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की तथा शेष रेल से की, तो रेल द्वारा तय की गई दूरी क्या थी, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, टोटल थी 5 जिसमें से 2 हमारे अकॉर्डिंग चल लिया, क्वेश्चन अकॉर्डिंग 1200 चल लिया, 1 = 600 आ गया, तो टोटल कितनी थी, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 × 5 तो कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 3000। ठीक, टोटल कितनी यात्रा करनी है, 3000, 1/3 कार से की तो इसका 1/3 निकाल दो मेरे भाई, तो 1/3 जब काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1000, तो 1000 उसने कार से की है, 1200 उसने प्लेन से की है, तो 2200 खत्म हो गई ना, 3000 में 2200 खत्म हो गई, तो कितना बचा,
800, यही 800 उसने किससे की है, रेल से की है। खत्म सवाल, जरा सा सवाल था डीबी अमर का, कोई दिक्कत, देख लो एक बार इसको क्या कह रहा है। राम ने 1200 किलोमीटर की यात्रा की थी जो उसकी यात्रा का 2/5 भाग था, तो हमने यहां से पूरी यात्रा निकाल ली, तो कितनी निकल के आई, 3000। और कह रहा कि उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा यानी 3000 का 1/3 यानी 1000 कार से की है, तो हमने कार से 1000 करा दी। शेष रेल से की थी, तो हमने देखा कि 1200 प्लेन से की, 1000 कार से की, तो 2200 खत्म हो गए। 3000 में 2200 खत्म, तो कितनी बची, 800। यही 800 किससे की थी, रेल से की थी, और रेल की दूरी निकालनी थी। आ गया हमारा आंसर, खत्म सवाल, कोई दिक्कत, करो स्क्रीनशॉट लगाओ इसका, चलो फटाक से लगाओ इसका स्क्रीनशॉट, आगे चले। प्रश्न कह रहा है एक संख्या का 60% दूसरी संख्या का 2/3 के बराबर है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो जितना तुमको समझ में आए उतना करो। पहले कह रहा है एक संख्या का 60%, तो मान लिया एक संख्या ए है, इसका 60% ठीक दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, कर दिया बराबर। जब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा, तो तुमको अगर 100 जाएगा, अगर इसको हम काटे पीटेंगे तो 3/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो तुम कहोगे इसको हम 3 लिख लें, इसको हम 5 लिख लें, हमने लिख लिया। अब अनुपात बनाना है तो इंग्लिश इंग्लिश एक तरफ, मैथ मैथ एक तरफ कर लो, तो ए यहां पे है, इसको यहीं रोक लो, बी को बटे में बुला लो, आ गया तो बराबर का 2/3 तो यही रह गया। अब ये जाएगा उधर, तो 5 यहां भाग में है, यहां चला जाएगा गुणा में, और 3 यहां पे गुणा में है, तो यहां आ जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा, 5×2 10 और 3×3 9, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 10/9। सवाल था, सवाल था, खत्म हो गया सवाल। बताओ क्या सवाल था इस सवाल में, कुछ था, कुछ नहीं था। हिंदी हिंदी एक तरफ, इंग्लिश इंग्लिश एक तरफ वाली चीज चल रही थी, ठीक, तो इंग्लिश इंग्लिश एक तरफ, मैथ मैथ एक तरफ, कर दिया, हो गया सवाल। कह रहा है ये बढ़िया सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को, यानी 30वां, 1 से 30 तक 30वां, फिर 60वां, फिर 90वां, फिर 120, फिर 150वां, इस तरह, ठीक, को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निशुल्क टीवी सेट देता है, कौन सा ग्राहक दोनों प्राप्त करेगा। यानी मेरे भाई कहने का मतलब है कि वो संख्या 30 60 को देगा फिर कूपन, फिर 90 को देगा, फिर 120 को देगा, फिर 150 को देगा, फिर 180 को देगा, फिर 210 को देगा, फिर 240 को देगा, फिर 270 को देगा, फिर 300 को देगा। बात सही है, ऐसे ही तो सबको कूपन देता रहेगा और 100 आगे चला जाएगा। और टीवी सेट है वो 100 को मिलेगी, 200 को मिलेगी, 300 में को मिलेगी, ऐसे क्यों मिलेगी, तो दोनों में कॉमन क्या आया, 300 आया, तो 300वां ग्राहक ऐसे होगा जिसको टीवी सेट और कूपन दोनों मिलेगा। लेकिन क्या इसको हम ऐसे निकालेंगे, नहीं मेरे भाई, ये खाली समझाने के लिए दिया। अब तुम एक चीज देख रहे हो कि 10 कोई यानी एक ऐसी संख्या जो 30 से भी कट जाए और 100 से भी कट जाए, यानी 30 और 100 का मेरे भाई को चुपचाप क्या लेना था, एलसीएम लेना था, और 300 इसका क्या बनता है, एलसीएम बन जाता है। बात समझ में आई मेरे लाल, इतना ही सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं। चले चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, बहुत सरल सवाल है, अगले क्वेश्चन कुछ है भी नहीं। अगला क्वेश्चन और शीट का अंतिम क्वेश्चन, शीट समाप्त, अब अगली शीट की बात हम लोग कल करेंगे, ठीक। चलो अगले शीट क्या रही है कि अंडरवुड 32 माइनस अंडरवुड 18 बटे अंडरवुड 50 प्लस अंडरवुड 8 को सरल रूप में लिखिए, सरल रूप में। मेरे भाई देखो ये 16×32 लिखा है ना, तो 16 बाहर निकालो तो 4√2 आ गया, ये 9×18 लिखा है तो बाहर निकालो तो 3√2 आ गया, बटे ये 25×50 लिखा है तो इसको 5√2 लिख लो, प्लस इसको 2√2 लिख लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से भी √2 कॉमन, नीचे से भी √2 कॉमन, तो ऊपर आया 4 − 3 और नीचे आया √2 5+2, तो √2 से √2 कट गया, 4 में 3 गया 1 और 5 में 2 जोड़ा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, आ गई, आ गई। तो ये हो गया हमारे सीट का सोल्यूशन, ये हमारी सीट पूरी हो गई, सॉल्व हो गई, सीट कंप्लीटली सॉल्व हो गई। कल हम लोग किसी नई सीट के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कल कोशिश करेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा हो उसमें,
ठीक, क्योंकि इसमें मैथ के क्वेश्चन ज्यादा थे, उसमें रीजनिंग ज्यादा कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, तैयारी करते रहो, पेपर की डेट आ चुकी है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।